नवाबगंज स्थित कंपनी बाग चौराहा क्षेत्र के इनकम टैक्स कॉलोनी के बगल में स्थापित मंदिरों को तोड़ने के नोटिस जारी होने के बाद संत समाज और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में खासा रोष दिखाई दे रहा है, जहां शनिवार को बजरंग दल और संत समाज के लोग मंदिर में पहुंचकर नोटिस का विरोध करते हुए हंगामा काट दिया। लोगों का कहना है कि अगर मंदिर तोड़ा गया तो हम लोग सड़कों पर उतर कर उग्र प्रदर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। हमें सूचना मिली यहाँ के जो पुजारी हैं इनको नोटिस दी गई है मंदिर को तोड़ने के लिए, और कुछ अपार्टमेंट वालों ने यहाँ पर नोटिस दे दी है कि इसको तोड़ दिया जाए। ये पुराना मंदिर है, इसको तोड़ने का कोई औचित्य नहीं, इससे कोई जाम नहीं लगता है, कोई भी रास्ता अवरोधक नहीं होता है। उसके बाद ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट बनी हुई, मार्केट वो माफिया बनाना चाहते हैं, तो मंदिरों को हटा के हम कहते हैं ठीक है आप मंदिर को हटाने की बात करते हैं, पहले उन मज़ारों को हटाने की बात करिए जो कैनाल रोड पे है, जो चौबेपुर में है, लाल इमली पे फुटपाथ पे बनी हुई है। आज अगर टीम मंदिर के लिए आती है जिस तरीके से उन्होंने कहा है, उसकी मंदिर क्या कदम उठाएगा सब समझ? हमारा कदम ये है कि पहले तो हम कहेंगे हमारे शरीर के ऊपर से चढ़ा के आप बुलडोजर ले जाइए, तब हमारे मंदिर की आस्था को मिटा पाएंगे आप। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर सरकार योगी जी की बनी है, मोदी जी अगर भारत में प्रधानमंत्री हैं, तो श्री राम जन्मभूमि को लेकर ही है। एक मंदिर की सुरक्षा जो जनता हमारा सहयोग करना चाहती करेगी, नहीं तो हमारा जिस दिन मंदिर हट गया हम आमरण अनशन यही कर लेंगे, अन्न जल को त्याग करके मैं यही बैठ जाऊंगा। मेरा मेडिकल रोज कराइए, अगर मेरे पेट में एक अन्न का दाना अगर मिल जाएगा तो मैं दोषी होऊंगा, ऐसा मैं कार धर्म बचाने के लिए करूंगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।